ठीक है मैडम, निकलिए। अपना फोन भी, अपना फोन आगे आ जाओ थोड़ा सा, एक बार इधर भी देख लीजिएगा। अभी बस रुक जाओ, देखिए अपना अपना फोन भी देखते रहना। चलिए बधाई हो, आइए आले साहब। छापने वाले चलिए जी, बहुत बहुत मुबारक हो जी, बहुत बहुत बधाई। भगवान सिंह जी आ जाओ आप, मोहिनी आ जाओ, मोहिनी भगवान सिंह जी स्टैंडिंग करके मैम। मैं था एक बार उधर अपने वाले, तो यहाँ पे भी अपने वाले हैं, अरे अपने वाले खोलो मैं पार्टी वाला जावा। हेलो मैम इधर देख लीजिए, हो गया आप भी इधर ही आ जाइए, आप भी इधर ही आ जाइए ना, हम सारा इंट्रोडक्शन से क्यों पोज करवा रहे हैं। हम इधर ही देखिए, चलो बाइट दो शुरू करो, शुरू करें। हाँ सर, एक सेकंड सर, एक सेकंड रोल रोल, ठीक है थोड़ा नीचे रखिए, रोल रोल लगा रहे हैं जी, बीबी 20 हो जाइए रोल, चलिए मोबाइल दिए लास्ट मिनट के लिए मोबाइल सर। अरे हो गया यार, आम आदमी पार्टी की दिल्ली नगर निगम में जीत के बाद आज आम आदमी पार्टी की तरफ से मेयर के कैंडिडेट ने अपना नॉमिनेशन भरा है और उनको शुभकामनाएं देने एमसीडी के प्रभारी दुर्गेश पाठक जी, आतिशी मालीना जी, आदिल साहब और कई आम आदमी पार्टी के
काउंसलर्स यहाँ पे आए हैं। शैली ओबेरॉय ने, जिनको डॉक्टर शैली ओबेरॉय पूरा नाम है, उन्होंने मेयर के लिए नॉमिनेशन भरा है। हमारे भाई आले इकबाल ने डिप्टी मेयर के लिए नॉमिनेशन भरा है और चार मेंबर्स ने स्टैंडिंग कमेटी के लिए नॉमिनेशन भरा है। मोहिनी जीनवाल उसके अंदर हैं, रमिंदर जी उनके अंदर हैं और सारिका चौधरी हैं और आमिल मलिक साहब, ये चार लोग हैं जिन्होंने स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर्स के तौर पे जो है अभी नॉमिनेशन भरा है और नॉमिनेशन उनके लिए गए हैं। और हमारी तरफ से, पूरी पार्टी की तरफ से और अरविंद केजरीवाल जी की तरफ से इन सभी लोगों को आगे के अपने काम के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। कौन सा काला काम कर रहा है, बड़ा इशू है, उसको लेकर काम किया जाना शुरू हो चुका है। किसको? सीएम ने कहा था कि 7 तारीख को सैलरीज आ जाएंगी, एक सैलरी क्राइसिस बड़ा इशू है, 2-3 महीने से सैलरी अभी भी पेंडिंग है। जो रिटायर हुए हैं उन्हें रिटायर बेनिफिट्स भी नहीं मिले हैं, जो 2-3 साल में रिटायर हुए हैं बड़ी संख्या है, ऐसे में सैलरीज का जो है वो भार है काफी, तो उसको लेकर कुछ पेंडिंग हो गई है। अभी तो इन लोगों ने अपनी शपथ भी नहीं ली है, अभी तो नॉमिनेशन, अभी तो बस हम इन्हें कह रहे हैं काउंसलर, काउंसलर बने नहीं है। 6 तारीख को ये बेचारे पहले पार्षद बनेंगे और फिर ये मेयर, डिप्टी मेयर, स्टैंडिंग कमेटी बनेंगी, फिर इनको वो हक होगा कि उस कुर्सी पे बैठ के अफसरों को उसके लिए जो है डायरेक्शन दें। मगर दिल्ली सरकार ने सरकार के तौर पे डायरेक्शन दी हैं, माननीय मुख्यमंत्री ने डायरेक्शन दी हैं कि सैलरी को लेके किसी भी MCD कर्मचारी को जो है इस तरीके से हैरेसमेंट नहीं किया जाएगा। 7 तारीख से पहले सैलरी देने का वादा हमारी गारंटी में है और जैसे ही सरकार बन जाएगी MCD के अंदर इस वादे पे काम शुरू हो जाएगा। सर, पिछले कई सालों से आप फंड के लिए फंड मैनेजमेंट MCD के लिए क्या होगा, क्या उसका ब्लूप्रिंट? देखिए, हमारा मानना ये रहा है कि MCD के अंदर रेवेन्यू के बहुत सारे तरीके हैं। देश के अंदर कई ऐसी महानगर हैं जहाँ पे नगर निगम सेल्फ सफिशिएंट हैं। अभी हमारी एक कमेटी पुणे और हैदराबाद के अंदर भी देख के आई, जो काफ़ी हद तक सेल्फ सफिशिएंट हैं। तो जो फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट है उसको ठीक किया जाएगा और MCD को सेल्फ सफिशिएंट बनाया जाएगा, और जब तक वो नहीं होता दिल्ली सरकार हर मदद MCDs को करेगी। देखिए, हमारे को जो सूचना है वो यही है कि भारतीय जनता पार्टी इस बेइज्जती से बचना चाहती है कि उनका मेयर हार गया और आम आदमी पार्टी का जीत गया, मगर उनका जो डर्टी ट्रिक्स डिपार्टमेंट है वो बेरोजगार हो जाएगा। वो ये भी नहीं चाहते कि वो बेरोजगार हो जाएं, इसलिए वो एक इंडिपेंडेंट के ज़रिए अपनी जो गंदी के तरीके हैं वो आजमाने की कोशिश करेंगे। इसीलिए राघव जी ने कहा था कि भाई आप खुले मैदान में आइए, तो हमें अभी भी उम्मीद है, क्योंकि देखिए 3 इंडिपेंडेंट पूरे हाउस में चुन के आए हैं, वो 3 इंडिपेंडेंट जिनके नाम भी आपको नहीं पता, मुझे भी नहीं पता। अगर ऐसे आदमी का मेयर के लिए नॉमिनेशन भराया जाता है तो जाहिर सी बात है उसके पीछे कोई बड़ी पॉलिटिकल पार्टी होगी। तो अगर वो नॉमिनेशन भरा जाता है तो जाहिर सी बात है डर्टी ट्रिक्स डिपार्टमेंट जो है एक्टिव हो गया, और जब वो आदमी हारेगा तो हम यही कहेंगे कि हमने BJP को हराया है, ये हम कहेंगे। तो ये कल तक पता चलेगा। आप लोगों ने इसकी तैयारी कर ली कि आपके पास से टैक्स रहेंगे कि दलबदल कानून लगता नहीं और निगम मेयर का चुनाव होता है? हमारे सारे के सारे पार्षद पूरे इंटैक्ट हैं और अपने अपने क्षेत्रों के अंदर साफ सफाई के काम को देखना शुरू किया है। थैंक यू। अरे ये